क्षेत्र के गांव सीकरी में एक मामूली कहासुनी को लेकर दो सगे भाइयों में झगड़ा हो गया, जिसमें बताया जा रहा है कि झगड़े में चले लाठी डंडे से एक भाई जो है खून में लथपथ हुआ और थाने पहुंचा। पीड़ित ने थाने पहुंचकर बताया कि वो डाक खाने से रुपए निकालकर वापस आ रहा था घर। घर आने पर ही भाई ने उसे जबरदस्ती रुपए मांगे। रुपए ना देने पर भाई ने ही अपने भाई राकेश के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर डाली, जिससे पीड़ित राकेश लहूलुहान हो गया। आपको बता दें कि पीड़ित राकेश से उसने 12,000 रुपए भी छीन लिए। थाना पुलिस ने पीड़ित को फिलहाल मेडिकल के लिए भेज दिया है। सुनाते हैं राकेश ने क्या कहा है इस पूरे मामले पे। मैं डाकखाने से पैसे ले गया, अभी मुझसे पैसे मांगने लगा। कौन मांगने लगा पैसे? मेरा भाई। और मारपीट कर दी मेरे साथ में, मेरे पैसे सागरे छीन लिए 12,000 रुपये। ये सब डाकखाने में हैगा, रिसीप्ट कॉपी मेरे पास में है। और मेरे पैसे छीन के मेरे को मारपीट करा, मैं बेहोश जा पड़ा। मैं किसी को मारपीट करी? सीकरी स्कूल पे। मैंने घर वाले को फोन करा जब वो आए हैं। रोचक खबरों के लिए यू ही जुड़े रहे हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर